रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। इनके नाम से थराते हैं नक्सली, AK-47 लेकर लगाती है जंगलों के चक्कर, सब बोलते हैं वो फिर आ गई देश की बागडोर, असल मायने में अफसरों के हाथ में होती है। यदि नौकरशाही दुरुस्त हो तो कानून व्यवस्था चाक चौबंद रहती है। जिस तरह से भ्रष्टाचार का दीमक नौकरशाही को खोखला किए जा रहा है, लोगों का उस पर से विश्वास उठता जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी आयस और आईएएस अफसर हैं जो ईमानदारी के दम पर नौकरशाही की साख बचाए हुए हैं। उनके कारनामे आज मिशेल के तौर पर पेश किए जा रहे हैं। हम आज यहां आपको बताने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के बस्तर में तैनात CRPF की जानबाज असिस्टेंट कमांडेंट उषा किरण की दास्तान। महिला अफसरों की बात की जाए तो देश में ऐसी कई महिला अफसर हैं जो अपने फैसले लेने की क्षमता और मजबूत इरादों के लिए जानी जाती हैं। इन्हीं में से एक है 27 साल की उषा किरण। उषा देश की पहली CRPF महिला अफसर हैं, जिन्हें छत्तीसगढ़ के नक्सली इलाके में तैनात किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में CRPF की 80वीं बटालियन में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर तैनात उषा किरण मूल रूप से गुड़गांव की रहने वाली हैं। उषा ने 25 साल की उम्र में CRPF ज्वाइन कर ली थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि नक्सली इलाके में पोस्टिंग खुद उषा की पहली पसंद थी। उषा ने कहा था वे खुद बस्तर आना चाहती हैं। उन्होंने सुना है कि यहाँ के लोग काफी सीधे साधे होते हैं। बताते चलें कि वे हर ऑपरेशन में जवानों की अगुवाई खुद करती हैं। इससे आप उनकी बहादुरी का अंदाजा लगा सकते हैं। वर्तमान में असिस्टेंट कमांडेंट उषा रायपुर से 350 किलोमीटर दूर बस्तर के दरभार डिवीजन स्थित CRPF कैंप में तैनात हैं। नक्सलियों का गढ़ कहा जाने वाला दरभा वही इलाका है जहां पर साल 2012 में एक बड़े कांग्रेसी नेता समेत 34 लोगों को नक्सलियों ने मार दिया था। उषा मिशन के मुताबिक 2017 में बस्तर को नक्सलियों से पूरी तरह मुक्त करवाने के इरादे से आई हैं। उषा किरण अपने परिवार से CRPF ज्वाइन करने वाली तीसरी पीढ़ी है। उनके पिता CRPF में सब इंस्पेक्टर हैं। उनके दादा भी CRPF में थे। अब वे रिटायर हो चुके हैं। 2013 में CRPF के लिए दी गई परीक्षा में उषा ने पूरे भारत में 295वीं रैंक हासिल की थी। उषा ट्रिपल जंप में गोल्ड मेडल जीत नेशनल विनर भी रह चुकी हैं। गौरतलब है कि उषा का स्थानीय आदिवासी महिलाओं से खासा लगाव है। यहाँ उनकी नियुक्ति के बाद आदिवासियों और महिलाओं में उम्मीद की किरण जगी है। फिलहाल उनका लक्ष्य नक्सल प्रभावित इस इलाके में पूरी तरह से नक्सलियों का खात्मा करना है। उनके खौफ का आलम यह है कि उनकी तैनाती के बाद से बड़े बड़े नक्सली उनके नाम से ही थराने लगे हैं।